मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आज का हमारा फर्स्ट वर्ड है स्किल स्किल का मतलब होता है हुनर इसका सेंटेंस देखिए क्या तुम्हारे पास कोई हुनर है डू यू हैव एनी स्किल डू यू हैव एनी स्किल नेक्स्ट है अटेम्प्ट। अटेम्प्ट का मतलब होता है प्रयास ये मेरा पहला प्रयास है दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट दिस इज माई फर्स्ट अटेम्प्ट नेक्स्ट वर्ड है स्पीच स्पीच का मतलब होता है भाषण क्या तुम्हारा भाषण हो गया Have you done your speech? Have you done your speech? Next word है symbol. Symbol का मतलब होता है चिन्ह भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है What is the national symbol of India? What is the national symbol of India? Next word है corruption. Corruption का मतलब होता है भ्रष्टाचार इसका sentence देखिए हमारे समाज में भ्रष्टाचार कम हो रहा है Corruption is decreasing in our society. Corruption is decreasing in our society. नेक्स्ट वर्ड है सोशल सोशल का मतलब होता है सामाजिक ये एक सामाजिक बुराई है इट इज अ सोशल एविल इट इज अ सोशल एविल नेक्स्ट वर्ड है नेचुरल नेचुरल का मतलब होता है प्राकृतिक नेचुरल यह एक प्राकृतिक तेल है इट्स अ नेचुरल ऑयल इट्स अ नेचुरल ऑयल नेक्स्ट वर्ड है अर्थ अर्थ का मतलब होता है धरती हमारी धरती गोल है आर अर्थ इज राउंड आर अर्थ इज राउंड चीपेस्ट चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे सस्ता चीप का मतलब होता है सस्ता और चीपेस्ट का मतलब होता है सबसे सस्ता अभी बाजार में आलू सबसे सस्ता है पोटैटो इज द चीपेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ पोटैटो इज द चीपेस्ट इन द मार्केट राइट नाउ नेक्स्ट वर्ड है फ्रंट फ्रंट का मतलब होता है के सामने मेरे घर के सामने तालाब है देर इज अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस देयर इज अ पॉइंट इन फ्रंट ऑफ माई हाउस नेक्स्ट वर्ड है रिपेयर रिपेयर का मतलब होता है मुरम्मत करना इसका सेंटेंस देखिए पंखे की मुरम्मत करो रिपेयर द फैन रिपेयर द फैन नेक्स्ट वर्ड है स्टक स्टक का मतलब होता है फसना मैं लिफ्ट में फंस गया हूं आमस्टक इन द लेफ्ट आमस्टक इन द लेफ्ट नेक्स्ट वर्ड है रिलीजियस रिलीजियस का मतलब होता है धार्मिक मेरे माता पिता धार्मिक हैं माय पेरेंट्स आर रिलीजियस माय पेरेंट्स आर रिलीजियस नेक्स्ट वर्ड है पॉपुलर पॉपुलर का मतलब होता है लोकप्रिय उसका गाना लोकप्रिय हो रहा है हर सॉन्ग इज गेटिंग पॉपुलर हर सॉन्ग इज गेटिंग पॉपुलर नेक्स्ट वर्ड है इंसल्ट इंसल्ट का मतलब होता है अपमान करना उसका अपमान मत करो भाई डोंट इंसल्ट हर ब्रो डोंट इंसल्ट हर ब्रो नेक्स्ट वर्ड है रिसेंटली। रिसेंटली का मतलब होता है हाल ही में जो काम हाल ही में हुआ है पीछे ही हुआ है हाल ही में उसकी शादी हुई है रिसेंटली शी गॉट मैरिड रिसेंटली शी गॉट मैरिड नेक्स्ट वर्ड है पेशेंट पेशेंट का मतलब होता है मरीज ये कोरोना का मरीज नहीं है दिस इज नॉट अ कोरोना पेशेंट दिस इज नॉट अ कोरोना पेशेंट नेक्स्ट वर्ड है रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है जिम्मेदारी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है एट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी ट्स योर रिस्पांसिबिलिटी नेक्स्ट वर्ड है पोस्टपोन पोस्टपोन का मतलब होता है टालना जैसे किसी काम को टाल देना टालो मत डोंट पोस्टपोन डोंट पोस्टपोन नेक्स्ट वर्ड है अनदर अनदर का मतलब होता है दूसरा मुझे दूसरा दिखाओ मी अनदर मी अनदर नेक्स्ट वर्ड है ईच ईच का मतलब होता है प्रत्येक प्रत्येक कमरे में पंखा है प्रत्येक मतलब हर एक देर इज अ फैन इन ईच रूम

जानकारी सही है दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट दिस इंफॉर्मेशन इज करेक्ट नेक्स्ट वर्ड है रियल रियल का मतलब होता है असली ये नॉट असली है दिस नॉट इज रियल दिस नॉट इज रियल नेक्स्ट वर्ड है लैंग्वेज लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा आप कितनी भाषाएं जानते हो हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू नो हाउ मैनी लैंग्वेज डू यू नो नेक्स्ट वर्ड है यूजफुल यूजफुल का मतलब होता है उपयोगी ये आपके लिए उपयोगी है दिस इज़ यूजफुल फॉर यू दिस इज़ यूजफुल फॉर यू नेक्स्ट वर्ड है डेली डेली का मतलब होता है रोज मैं रोज विद्यालय जाता हूँ आई गो टू स्कूल डेली आई गो टू स्कूल डेली नेक्स्ट वर्ड है अस अस का मतलब होता है हमें हमें संपर्क करें कॉन्टैक्ट अस कॉन्टैक्ट अस नेक्स्ट वर्ड है ट्रेनिंग ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रशिक्षण ट्रेनिंग वहाँ आर्मी का प्रशिक्षण चल रहा है आर्मी ट्रेनिंग इज गोइंग ऑन देअर